मैं हूँ आपकी हॉस्टलाइजर, और मैंने आपको कल मंडी के बारे में दिखाया कि मंडी कैसी होती है। और अब जो हम कल वैरा लेके आए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे घर मेहमान आया था एक, जिसने अब खाया भी है और हजम किया है, तो अभी मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ और उससे भी मिलवाती हूँ। बस एक ये मेरे पापा बैठे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ वैरा, हमारे वैरे का क्या हाल चाल है। ये है हमारा वैरा, प्यारा सा कहलाया, और ये मारता भी है। खैर पापा वो अच्छा खासा गुस्से में है। अभी हम थोड़ी देर में इसकी हमने कुर्बानी भी करनी है, तो बस अल्लाह खैर करे। हाँ ध्यान से, कुछ नहीं। चलें अब मैं अब हम अंदर चलते हैं। हाँ जी, अच्छा तो अभी तो हमारा ये वैरा है, अभी थोड़ी देर में हमने इसकी भी कुर्बानी करनी है। इसके अलावा अब गली में, क्योंकि अब ईद शुरू हो चुकी है और सुबह से काफ़ी कुर्बानियाँ हो रही हैं, इसके अलावा ये भी एक खड़ा है, अभी थोड़ी देर में इसकी कुर्बानी होनी है। और इधर लगना चाहिए, ये बैठा हुआ है। हाँ मैंने लिया है इंतजार में। ओ इसके अलावा अभी कुछ देर पहले हमारी गली में जो कुर्बानी हुई है वो इस कट्टे की हुई है, ज़रा दूर से दिखाती हूँ। उन्होंने इसकी खाल शाल भी उतार ली हुई अब तक तो। वेल अभी कुर्बानियाँ जा रही हैं, अभी थोड़ी देर में हम भी करेंगे। अभी तो सब मतलब खिदमत कर रहे हैं, अभी कुछ देर में इसकी भी कुर्बानी हो जानी है। अभी इसकी बारी है, इसके बाद हमारे वाले वाले बैले की। अभी तो जी कसाब आ गए हैं, इनको भी कैप्चर करते हैं। भी आ गए अब तो, बस थोड़ी देर में हमारे वैरे की बारी है। काफी प्यारा वैरा है, अब इसी को कुर्बानी करते हैं। ये हमारा है पापा। रेडी और हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह अब कुर्बानी भी हो चुकी है। कुर्बानी के लिए, कुर्बानी के बाद जो वो सारा गोश्त काटना और उसको संभालना वगैरह होता है वो भी हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स की तरफ ईद की दावत पर। मैंने अब हाथों पे मेहंदी भी लगवा ली है। तो अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ इस ईद को बहुत इन्जॉय करेंगे और बस हमेशा खुश रहें। मैं चलती हूँ अपने रिलेटिव्स की तरफ, और आप अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियाँ इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।